अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं चिकन पुलाव की बहुत ही इजी और आसान, बिल्कुल सिंपल जो मैं चिकन पुलाव घर में बनाती हूँ वही आप सबसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से, और मैं रेसिपीज़ जो भी आपके साथ शेयर करूँगी बिल्कुल सिंपल और इजी होंगी। और आज मैं बहुत ही सिंपल पुलाव जो बिल्कुल जल्दी झटपट में रेडी हो जाएगा वो मैं आप लोगों से, आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो अभी ये चिकन मैंने निकाल के रखी है क्योंकि फ्रीज़र में थी, फ्रीज है, अब खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको खुलेगी फिर मैं आपको सब किस तरह इसके रेसिपीज़ है, किस तरह ये बनती है बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। प्याज तकरीबन 3 लिए हैं मैंने, 2 प्याज मैंने ऐड कर दिए और एक प्याज मैं यखनी जब बनाऊंगी उसमें डाल ऐड करेंगे हम। और 1 kg चिकन है और तकरीबन 3 पाव चावल है। अब ये ब्राउन होंगे प्याज, इसमें थोड़े पिसे प्याज मैं निकाल लूँगी गार्निश के लिए, दम पे लगाऊंगी थोड़े से ब्राउन प्याज, फिर गार्निश के लिए थोड़े से ब्राउन प्याज दम पे लगा दूंगी, जब लगाने लगूंगी तो छिड़क दूंगी। अब प्याज हल्के से ब्राउन हो जाए, तकरीबन प्याज ब्राउन होने वाले हैं तो इसमें चिकन 1 kg चिकन मैंने लिए, चिकन तो इसको आप खूब भूनेंगे, गार्निश के लिए मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूंगी, बिल्कुल थोड़ी सी, बाकी इसमें हम चिकन ऐड कर लेंगे। तकरीबन पानी ऐड करेंगे हम लोग, इसे तकरीबन 5 मिनट हम हल्का हल्के से ये ब्राउन होने लगेंगे ना, फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारी चिकन काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें तकरीबन 1 प्याज और ये कुछ लहसुन के जवे हैं और अदरक, ये मैं फ्रीज करती हूँ अदरक को ग्राइंड करके ना क्यूब्स में डाल के, मैं इसे अदरक को फ्रीज कर देती हूँ और लहसुन मैं नीचे ही इसके छिलके साफ करके इसको नीचे ही रख लेती हूँ, तो ऐसे फ्रेश अदरक मैं फिर यूज़ करती हूँ और सॉरी लहसुन यूज़ करती हूँ, अदरक तो मैं ग्राइंड करके ना तो फ्रीज कर देती हूँ, ये अदरक है
वो एक क्यूब्स निकाल के मैं खानों में, पुलाव में, किसी भी चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, मैं थोड़े से मटर भी मैं इस पुलाव में ऐड कर रही हूँ। और ये बादियान के फूल हैं थोड़े से, और गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं इसमें, तकरीबन थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे इतने पसंद नहीं करते, तो बहुत ही थोड़ा सा यूज़ करूँगी। और तेज़पात दो पत्ते काफ़ी हैं। और नमक होगा, नमक आप अपने हसब ज़ायका आप यूज़ करें। जैसा आपको पसंद है। और मैं धनिया, पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा यूज़ करती हूँ पुलाव में, एक चम्मच हो गया। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची भी मैंने ऐड की हुई है, मैं लाल मिर्ची नहीं डालती, हरी मिर्ची यूज़ करती हूँ। अब ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी। अब ये मटर भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी, चिकन के साथ ये भी गल जाएंगे। मुझे ये पुलाव बनाने में तकरीबन आधा घंटा लगता है, यानी बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। अगर सब चीज़ें आपकी रेडी हैं तो ये आधे घंटे में आपका रेडी हो जाएगा। अब हम ये पानी ऐड करेंगे, कर रही हूँ तकरीबन, पानी आप अपने हिसाब से, बस इसी पानी के अंदर मैं चावल जब बॉयल हो जाएंगे तो मैं इसमें चावल ऐड शामिल कर लूँगी। और ये धनिया पुदीना मैं ऊपर गार्निश के लिए यूज़ करूँगी दम देते हुए। अब बॉयल होगा तो मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। जब ये बॉयल जब होगा तो मैं हल्की आंच पे इसको 5-10 मिनट के लिए रखूँगी ताकि चिकन गल जाए, तो इसके बाद फिर मैं इसमें चावल ऐड करूँगी, वो फिर मैं आपको बताती हूँ जब ये बन जाएगा, जब चिकन गल जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा, ये तकरीबन मेरी चिकन और मटर रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। थोड़ा सा सिरका ऐड करूंगी, इससे चावल गलते नहीं है ज़्यादा, वो थोड़ा सा केवड़ा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है पुलाव में। जब ये पानी ड्राई होने लगेगा तो हम इसे 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। अच्छा, ये देखें पानी ड्राई होने वाला है, यहाँ पे हम इस चावल को दम लगाएंगे। तकरीबन इस स्टेज पे चावल को हल्की आंच करके हम दम पे लगा देंगे। दम पे लगाओगे? दम पे गाना सुनाता हूँ आपको,
की दम द परोसा यार दमावे नावे। ये तकरीबन ये धनिया और पुदीना और ब्राउन प्याज हमने इसमें ऐड कर दिए दम पे लगाने से पहले, और ये थोड़ा सा जर्दे का रंग मैं ऐड करती हूँ जिससे लुक अच्छी आ जाती है पुलाव की। हल्का हल्का से मैं छिड़क देती हूँ जिससे लुक अच्छी आती है। अभी तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रहेगा। ये 15 मिनट के लिए मैंने दम पे लगा दिया और तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं आपकी इस फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। 15 मिनट हो चुके और हमारा पुलाव तकरीबन रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी, फिर ट्राई अपने हस्बैंड से ट्राई कराऊंगी, यानी मेरे हस्बैंड टेस्ट करेंगे ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाह, जल्दी करो भूख लगी है। सबर। देखें कैसा है। वाओ जबरदस्त। ग्रेट वाओ। चलो इस बहाने हमें खाना तो मिलेगा। अच्छा अच्छा मैं अपने हस्बैंड के लिए पुलाव निकाल रही हूँ, अब इनको ट्राई कराऊंगी, अब ये बताएंगे कैसा बना है। आप खा के बताएं। ग्रेट, मजा आ गया। मजेदार है, नमक ठीक है बिल्कुल। असल में नमक का बहुत प्रॉब्लम होता है, नमक कम कभी ज्यादा, ज्यादा हो जाए तो बहुत ही सही नहीं लगता, कम हो तब भी अच्छा नहीं लगता। पुलाव में नमक परफेक्ट होना चाहिए मेरे ख्याल में, तो फिर पुलाव आपका ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक और ले लो। ले लें, खा के देखें। कैसा? टेस्टी? जबरदस्त। थैंक यू। ओके व्यूअर्स, आप ही ट्राई कीजिएगा घर पे, आपको भी यकीनन ऐसे ही मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।